हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसा मुकदमा जो 376 का है और 376 का मुकदमा 376 के झूठे मुकदमे लिखाने वाली गैंग एक नए तरीके से भोले भाले नए लड़कों को, नए गवर्नमेंट जॉब वालों को, नए पुलिस वालों को फंसा रही है। डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर नो डाउट मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट है और वो पुलिस ऑफिसर है। वो अभी रिसेंटली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने गए, वहां पर सेल्स गर्ल्स ने उनका नंबर ले लिया और एक लड़की ने उन्हीं में से इनको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने भी उन मैसेजेस का रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत होने लगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही रहा और व्हाट्सएप सोशल मीडिया मैसेंजर के थ्रू ही रहा और मुलाकात में बदली। मुलाकात में भी इनके बीच में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बना, बस ये लोग होटल्स वगैरह में रेस्टोरेंट वगैरह में मिले जहां पर इन लोगों ने लंच या डिनर किया। हालांकि सेक्सुअल रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं रहा, सिर्फ एक मुलाकात या दो मुलाकात इनके बीच में हुई, सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और सारी की सारी चीजें रही। लड़की इनको बेवकूफ बनाती रही, लड़की इनसे पैसा लेती रही। पैसा इसलिए लेती रही कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं यहां पर सेल्स गर्ल हूं और यहां पर सेल्स का काम करती हूं, 6,000-7,000 रुपए मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरा गुजारा नहीं होता है, आप मेरी मदद कर दो, मेरे नौकरी में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूं, मेरी जैसे नौकरी लग जाएगी मैं आपकी मदद आपको वापस कर दूंगी, आपका पैसा आपको वापस रिटर्न कर दूंगी। अब लड़के क्या होते हैं, जो पुलिस वाले लड़के, नए लड़के अभी 20-22-21 बैच वाले लड़के जो सिपाही बने, वो बेचारे होते हैं इमोशनल और हमेशा ड्यूटी पर रहे, उनको कोई मिला नहीं तो उन्होंने जो है उनसे बतियाना स्टार्ट कर दिया। बतियाते उनका जो है कब एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उनका शोषण कब होने लगा उनको पता ही नहीं चला। उनको पैसे देने स्टार्ट कर दिए उन्होंने और देते देते वो 2.5 लाख रुपए उसको देते चले गए। अब 2.5 लाख रुपए में तो यार बीटेक की भी एक सेमेस्टर की फीस निकल जाएगी, 2-3 सेमेस्टर की फीस निकल जाएगी, लेकिन उस लड़की ने इनको चूसना चालू कर दिया, उनका पैसा लेना शुरू कर दिया और इनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि तुम मुझे उस दिन मिले थे मेरे साथ, तुमने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाऊंगा। FIR लिखा भी थी उनको, जो है अब उनकी नौकरी के लेने देने पड़ रहे हैं और उनकी जेल जाने की नौबत आ चुकी है। हालांकि हमारे पास आए हुए, उनको जेल तो नहीं जाने देंगे, स्टे में आएंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है जो साफ साफ कहती है कि लड़की ने इनसे रेगुलर पैसे लिए और लकीली लड़के के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग थी। पुलिस वालों ने, उसके विभाग ने ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं समझा, नहीं सुना, हालांकि हम कोर्ट में लगाएंगे, उसको रिलीफ दिलाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि लड़की उसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कह रही कि मुझे 15 लाख रुपए दो वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और सुसाइड करके तुम्हें फंसा दूंगी, ऐसा उसने कहा, ठीक है। और दूसरा चीज, इनसे 2.5 लाख रुपए ले चुकी थी, जब इन्होंने 2.5 लाख रुपए की रिकवरी करनी चाहिए तब फिर इनके ऊपर उसने मुकदमा लिखा दिया कि अब तुम मुझे 2.5 लाख मांग रहे हो, मैं तुमसे 15 लाख रुपए लूंगी। ये धमकी एडमिटेड है, रिकॉर्डेड है। तो आपको मैं एकदम क्लियर बता दूं कि अगर आपकी अभी अभी नई भर्ती हुई है, पुलिस में हुए हो या किसी अन्य विभाग में हुए, तो एकदम क्लियर रहो, सोशल मीडिया प्रोफाइल अपनी आप बिल्कुल भी अपडेट ना करो जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए या आप जब तक कि ज्वाइनिंग ना कर लो या फिर आप किसी व्यक्ति के बीच में संपर्क में न रहो। सिंपल सा फंडा है, कोई भी फोटोज वगैरह इस तरीके की पोस्ट वहां पर मत करो अपनी, जो पर्सनल है, आपकी वर्दी में हो या आप अपने बैंक में या किसी अन्य संस्थान पर आप काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स मत डालिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मत दीजिए। ज्वाइनिंग आपकी लगी हो, आप भर्ती की रेस वगैरह निकाल के आए हो, ये सारी चीजें अगर हो कुछ आपकी, तो कोई भी डिटेल आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन डिटेल्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करेंगे तो आप लोगों की नजरों में आ जाएंगे और लोग फिर क्या करेंगे, आप पर नजर रखते हुए आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को हर्ट करेंगे, जबरदस्ती आपको कहीं ना कहीं फंसाने की अलग मुकदमों में कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी। तो कभी भी आप जा रहे हो तो सेल्स गर्ल्स वगैरह को नंबर अपना मत दीजिए, मैं नंबर वाला पोर्शन हमेशा स्किप कर देता हूं। नंबर देंगे तो आपके खिलाफ ये गैंग एक्टिव हो जाएगी और आपसे वसूली करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को जो गरीब परिवार से आया है, उसको जिसको सरकारी नौकरी का शौक है, वो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, उसको अपनी नौकरी बहुत प्यारी होती है और नौकरी बचाने के लिए वो भरकस कोशिश करता है, इसी चक्कर में वो बेचारा फंस जाता है। सबसे बेहतर तरीका है डोंट टॉक विद गर्ल्स, इस तरीके की लड़कियों से बात ही मत करो, अपने आप को एकदम अलग रखो, कोई मतलब नहीं है। अगर अपने आप को सेफ नहीं रखोगे
तो ये सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि आपका सिस्टम लगा देगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, कुछ ना कुछ इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो अभी तक वहां पर जुड़ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।